चलिए ठीक है अपना बेटा, सरकारी ठीक जॉब की रेडी। है। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे बेटा, अपना हिंदी व्याकरण का उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले हम लोग उपसर्ग किन शब्दों के मेल से बना है? उप, उप धन सर्ग, उप धन सर्ग, ठीक है। उप का अर्थ क्या होता है? समीप। उप का अर्थ क्या होता है? समीप। और सर्ग का क्या अर्थ होता है? जुड़ने वाला या लगने वाला। तो उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है, कौन कौन से शब्द? उप धन सर्ग, धन मतलब तलब, ठीक है ना। तो उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है। उप का क्या अर्थ है? समीप मतलब पास में, शुरू में ना, और सर्ग मतलब जुड़ने वाला या लगने वाला। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग का क्या अर्थ हुआ? वैसे शब्द जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द को अर्थ बदल देते हैं या उनमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है ना। उपसर्ग का क्या अर्थ? वैसे शब्द जो किसी, उपसर्ग क्या है सबसे पहले जानेंगे। तो उपसर्ग शब्दांश होते हैं, ये क्या है? शब्द नहीं है, उपसर्ग शब्दांश है। तो उपसर्ग का क्या अर्थ हुआ? वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे या उनमें नई विशेषता उत्पन्न कर दे, वे उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर ना बेटा? फिर से सुनिएगा, उपसर्ग उपसर्ग किससे कहते हैं या उपसर्ग की परिभाषा लिखे। तो उपसर्ग क्या? वे उपसर्ग शब्दांश है, वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर दे, वह उपसर्ग कहलाता है, ठीक है ना। जैसे सुपुत्र, सुपुत्र क्या है? तो सुपुत्र एक शब्द है, सुपुत्र क्या है? एक शब्द है। इसमें उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है बेटा, उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है, ठीक है। तो अभी क्या बताएं कि उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, ये किस कहां लगते हैं? मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं ना। तो सुपुत्र, सुपुत्र क्या है? सुपुत्र नया शब्द है ना, एक शब्द है और उसमें सु उपसर्ग लगा हुआ है, और पुत्र क्या होगा? मूल शब्द होगा। सुपसर्ग और पुत्र मूल शब्द होगा, ठीक है ना। आप लोग को हम वीडियो दिखाते हैं पुस्तक का, देखिए दिखाई दे रहा है। देखिए उपसर्ग सु उपसर्ग है और पुत्र मूल शब्द है। अभाव, अभाव में अ उपसर्ग है और भाव मूल शब्द है। और दोनों उपसर्ग और मूल शब्द मिलकर के कौन से शब्द बनते हैं? नवीन शब्द, नया शब्द। प्रतिकूल में प्रति क्या है? प्रतिकूल में प्रति क्या है? उपसर्ग। और कूल क्या है? मूल शब्द, मूल शब्द। तो प्रति और धन कूल बनकर क्या बनता है? प्रतिकूल ना, अधिगम। अधिगम क्या है? अधि धन गम बराबर अधिगम। तो अधिगम में कोई पूछे कि नीचे दिए गए शब्दों में अधिगम में उपसर्ग क्या होगा, मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करें अधिगम का, तो अधि उपसर्ग होगा और गम मूल शब्द होगा। सर वन क्वेश्चन। हाँ बेटा पूछ सकते हैं। सर नवीन शब्द क्या होता है? नवीन मतलब जो उपसर्ग और मूल शब्द से मिलकर जो शब्द बनता है उसको नवीन शब्द, मतलब नया शब्द, जो उससे नया शब्द बना। नवीन का अर्थ होता है नया, ठीक है ना। और नवीन का विलोम होता है प्राचीन, मतलब पुराना। ओके प्रिय, ओके पंकज झा। यस सर। अब उपसर्ग की विशेषताएं, अगला क्या होगा? उपसर्ग की विशेषताएं, उपसर्ग की परिभाषा क्लियर हुई। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द के अर्थ बदल दे या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर दे, वे उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्या है? उपसर्ग की, उपसर्ग की विशेषताएं। आवाज मत कीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए बेटा, और वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए।
उपसर्ग की विशेषताएं ना, देखो क्या है उपसर्ग की विशेषताएं। सबसे पहले क्या है उपसर्ग, उपसर्ग शब्दांश होते हैं, उपसर्ग शब्दांश होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश, ठीक है। पहला उपसर्ग की विशेषताएं में लिखे उपसर्ग शब्दांश होते हैं ना, ये मूल शब्द के, ये मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं, ये मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। दूसरी विशेषताएं लिखिए, ये मूल शब्द के आरंभ, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, शुरू में जुड़ते हैं, ठीक है ना, ये मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। तीसरा लिखिए, उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, लिखिए उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, लिख लिए। चौथा पॉइंट लिखिएगा, चौथा पॉइंट लिखिए, ये मूल शब्द के अंत में लगकर, ये मूल शब्द के सॉरी ये मूल शब्द के शुरू में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। ये मूल शब्द के शुरू में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। तो उपसर्ग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? उपसर्ग के चार विशेषताएं बताएं बेटा आप लोगों को। सबसे पहली विशेषता उपसर्ग क्या है? शब्दांश है। शब्दांश मतलब क्या? ये शब्दों के अंश होते हैं ना, ये पूरे शब्द नहीं होते हैं, शब्द का अंश, शब्दों का टुकड़ा होता है बेटा। दूसरा, ये मूल शब्द के शुरू में लगते हैं, ठीक है। तीसरा, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता ना, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। और चौथा, ये मूल शब्द के शुरू में शब्द के अर्थ बदल दे या उसमें नई विशेषता ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। अब है, हिंदी भाषा में तीन मुख्यतः उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, हिंदी भाषा में मुख्यतः तीन तरह के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू फारसी के उपसर्ग। संस्कृत कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू फारसी के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग की संख्या बहुत है, ठीक है। जैसे आप लोग देखिए, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, जैसे अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, उत, उप, दूर, नीर, नी, परा, परि, प्र, ये बहुत सारे क्या है, ये संस्कृत के उपसर्ग है ना, दिखाई दे रहा ना आप लोगों को, आप लोग देख पा रहे हैं? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, देख पा ये बेटा, जितने उपसर्ग लिखा हुआ है आप लोगों को, देखो ऊपर में लिखा हुआ संस्कृत के उपसर्ग, क्या लिखा हुआ है? संस्कृत को, हिंदी भाषा में तीन तरह के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये जितने आप लोग देख पा रहे हैं ये सारे के सारे संस्कृत के उपसर्ग है। जैसे एक एक शब्द बेटा अत्यंत, एक शब्द क्या है? अत्यंत, अत्यंत, अत्यंत क्या है? नवीन शब्द, नया शब्द है ना, एक शब्द है। इसमें अगर आप लोग से कोई पूछे कि इसमें उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए, उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए, आप लोग क्या करेंगे बताइए? अनुष्का कुमारी, क्या अनुष्का कुमारी, अत्यंत में बेटा उपसर्ग, अत्यंत में बेटा
उपसर्ग अमूल शब्द क्या है? अत्यंत का बताइए सर। अतिधन अंत। अतिधन अंत, वेरी गुड। अंत यंत नहीं, अंत या नहीं बेटा, अतिधन अंत बराबर अत्यंत। अब बताइए पंकज झा। पंकज झा बेटा। यस सर। अनुशासन में उपसर्ग और मूल शब्द बताइए। अनुशासन सर, सर अनु उपसर्ग और शासन मूल शब्द। वेरी गुड बेटा। श्वेता कुमारी, श्वेता अभिज्ञान में बताइए बेटा उपसर्ग का मूल शब्द। अभिज्ञान का उपसर्ग, अभिज्ञान का उपसर्ग का मूल शब्द। सर अभी उपसर्ग ज्ञान, अभी उपसर्ग और ज्ञान पड़ता है। प्रत्यय बता रहे बेटा अभी उपस। नो सर उपसर्ग। वेरी गुड ना, पहले सुनिए। चंदन कुमार उच्चारण में बताइए आप उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और मूल शब्द उच्चारण का। किसमें? उच्चारण। उच्चारण सर उत धन उच्चारण। वेरी गुड। उत में बेटा हलंत होगा या नहीं? यस सर होगा। होगा ना बेटा, वेरी गुड। उत धन चारण, वेरी गुड। चारण का अर्थ? चारण मतलब बोलना, ठीक है। अब परिणाम में बताइए, परिणाम का उपसर्ग और प्रत्यय, सॉरी उपसर्ग और मूल शब्द परिणाम का। शाश्वत रंजन, परिणाम में उपसर्ग और मूल शब्द बताइए। शाश्वत रंजन, शाश्वत रंजन आवाज पहुंच रही बेटा? शाश्वत हेलो। परिणाम में बताइए। अभय उड़ाव बताएंगे, अभय उड़ाव, अभय उड़ाव। परिणाम का मूल शब्द और उपसर्ग बताइए बेटा। परिणाम शब्द का आवाज नहीं पहुंच पा रही है ना? वेरी गुड। परी, परी क्या है इसमें? उपसर्ग। और नाम क्या होगा? मूल शब्द, ठीक है। तो बेटा इस आपके परीक्षा में दो तीन प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस उपसर्ग प्रत्यय का। सबसे पहले किन उपसर्ग की परिभाषा लिखें, उपसर्ग की विशेषताएं लिखें, हिंदी में कौन कौन से उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं, और नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करें, या नीचे दिए गए शब्दांशों से दो दो शब्द बनाइए। जैसे दे दिया जाएगा कि पड़ाव उपसर्ग लगा करके दो शब्द बनाइए, तो क्या क्या बनाएंगे? पड़ाव उपसर्ग लगा करके दो शब्द बनाइए। कुमारी सृष्टि, पड़ाव उपसर्ग लगा करके दो शब्द क्या क्या बनाएंगे? कुमारी सृष्टि, पड़ाव उपसर्ग लगा करके दो शब्द कौन कौन से बनाएंगे? तो पड़ाव बता पाएंगे बेटा? परा, पराधन जय पराजय हो जाएगा, पराधन भिन्न पराधीन, और पराधन कर्म पराकर्म बन जाएगा ना बेटा? राजित। यस सर बन जाएगा। ये तो संस्कृत को उपसर्ग हुआ। अब आइए हिंदी को उपसर्ग, अब आइए हिंदी को उपसर्ग। हिंदी को उपसर्ग कौन कौन से है? तो अन, अन क्या है? अन हिंदी का उपसर्ग है। पर, अद, दिन, भर, ये सब क्या है? ये सब हिंदी के उपसर्ग हैं। जैसे अनपर, तो अनधन पर बराबर अनपर, तो अनपर में अन उपसर्ग हुआ और पर मूल शब्द। अनजान, तो अन उपसर्ग और जान मूल शब्द, ठीक है।
पर नाना, तो पर उपसर्ग और नाना मूल शब्द। अध जला तो अध उपसर्ग होगा और जला मूल शब्द होगा, ठीक है ना। अब आइए उर्दू और फारसी के उपसर्ग। उर्दू और फारसी के कौन कौन से उपसर्ग हैं? उर्दू और फारसी के उपसर्ग जैसे बा, बद, गैर, ला, हम, हर, कम, ये सब क्या है? ये सब दूसरे भाषाओं से हिंदी भाषा में लिए गए हैं, इसलिए हम इनको उर्दू फारसी के उपसर्ग कहते हैं। जैसे हम लोग शब्दों का वर्गीकरण किए थे, तो शब्दों के वर्गीकरण के उत्पत्ति के आधार पर चार आधार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये कैसे शब्द हैं? उर्दू फारसी के, मतलब दूसरे भाषाओं से लिए गए ना। जैसे गैर कानूनी, एक शब्द है गैर कानूनी, तो गैर कानूनी उपसर्ग और प्रत्यय क्या होगा बेटा? गैर उपसर्ग और कानूनी मूल शब्द, ठीक है। जैसे हर वक्त, तो हर क्या होगा? उपसर्ग होगा, और वक्त क्या होगा? मूल शब्द होगा, ठीक है। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? आयुष, आनंद। उपसर्ग किसे कहते हैं बेटा? सर वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके उसकी परिभाषा बदल देते हैं। परिभाषा बदल हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं। किसका शब्द? उस शब्द का अर्थ बदलते हैं या शब्दांश का? सर उस शब्दांश, शब्दांश का, शब्दांश का। सब उपसर्ग क्या होता है पहले ये बताइए, उपसर्ग क्या है? उपसर्ग शब्दांश या शब्द है? सर शब्दांश है। तो शब्दांश शब्दांश के साथ आगे जुड़ेगा तो अर्थ बदल जाएगा बेटा? नहीं सर। तो किसमें किसका अर्थ बदलेगा, शब्द का या शब्दांश का? शब्द का। जैसे एक उदाहरण देकर बताइए, एक उदाहरण देकर के बताइए, कोई भी एक उदाहरण। समधनीप। क्या? समीप, समधनीप। ईप क्या है? सम, इसमें सम क्या है? ईप मूल शब्द है क्या? सम का कुछ अर्थ होता है? और दूसरा उदाहरण दे दीजिए। दुर्भाग्य, दुर उपसर्ग, भाग्य मूल शब्द। क्या चीज बेटा? सर दुर्भाग्य, दुर उपसर्ग, भाग्य मूल शब्द। वेरी गुड। उपसर्ग की विशेषताएं बताएंगे, उपसर्ग की विशेषताएं। उपसर्ग की विशेषताएं बताइए। अमित कुमार, उपसर्ग की दो विशेषताएं बताइए। अमित कुमार, उपसर्ग की दो, कोई भी दो विशेषताएं, कोई भी दो विशेषताएं उपसर्ग का बताइए। बता सकते हैं अमित कुमार? अंकित कुमार प्रसाद, बेटा उपसर्ग की दो विशेषताएं बताइए। उपसर्ग की दो विशेषताएं कोई भी दो विशेषताएं बताइए जल्दी से। ये मूल शब्द के पहले जुड़कर सब शब्द में परिवर्तन ला देते हैं। वेरी गुड। और इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। वेरी गुड बेटा। उपसर्ग समझ में आया आप लोगों को? उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है, उपधन सर्ग। उप का क्या अर्थ होता है?
उप का क्या होता है, समीप, शुरू या पूर्व, ठीक है। और सर्ग मतलब जुड़ने वाला या लगने वाला। तो उपसर्ग का क्या, वे शब्द जो किसी शब्द के समीप लग करके उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे क्या कहला उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा क्या है, उपसर्ग की वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर दे वे उपसर्ग कहलाते हैं। फिर से सुन, वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर दे वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग की विशेषताएं क्या है, तो उपसर्ग की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, पहला ये शब्दांश होते हैं, दूसरा इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, तीसरा ये किसी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं, और चौथा ये मूल शब्द के आगे जुड़कर उनमें उनके अर्थ बदल देते हैं या उनमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। क्लियर हुआ ना, हिंदी भाषा में कितने तरह के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, तो तीन तीन प्रकार के, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू फारसी के उपसर्ग। क्लियर। Yes. अब आइए प्रत्यय क्या है, प्रत्यय, तो प्रत्यय का संधि क्या होगा, कोई भी बता सकते हैं प्रत्यय का संधि, प्रत्यय किन शब्दों के मेल से बना, प्रतिधन है, प्रतिधन है, तो प्रति मतलब क्या, बाद में, मतलब बाद में, बाद में, आए मतलब साथ में लगने वाला, तो प्रत्यय का क्या अर्थ हुआ, बाद में लगने वाला, मूल शब्द के अंत में, बाद में लेकिन साथ में, ये मूल शब्द के साथ जुड़ेंगे लेकिन ये मूल शब्द के साथ आगे नहीं जुड़ते हैं ना, ये मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं, कहाँ जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, प्रत्यय भी क्या होते हैं, प्रत्यय भी शब्दांश होता है ना, इनका ये कहाँ जुड़ते हैं, मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। तो जो कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं ना, वे शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आप लोग देखिए, एक तरफ है मूल शब्द और प्रत्यय और नवीन शब्द, जैसे बल है, क्या बल है, मूल शब्द और वान प्रत्यय है, तो बल बलवान, बलधन वान, नवीन शब्द क्या बनेगा, बलवान। जैसे शक्तिमान क्या है, शक्ति, तो शक्ति क्या है, शक्ति धनमान, शक्ति धनमान बराबर शक्तिमान। धर्म धन ईक, तो धर्म क्या है, मूल शब्द है, और ईक क्या है, प्रत्यय, धार्मिक। इधर देखिए, मनुष्य धन त्व, तो क्या है, मनुष्यत्व, भूख धन आ, भूखा, लघु धन ता, लघुता, ये शब्द क्या है, ध्यान देंगे प्रत्येक ये मूल शब्द के अंत में जो, हाँ बेटा पूछिए कुछ प्रश्न है, कोई प्रश्न करना चाहते हैं, कोई भी किन्हीं को कुछ पूछना है, नहीं बेटा चलिए, हाँ बेटा चंदन, यस सर, कुछ पूछना चाहते हैं, वान का अर्थ, वान, क्या पूछना चाहते हैं, वान का अर्थ, वान, यस सर, सर
सर। हाँ बेटा। सर का आवाज ठीक से नहीं आ रहा। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी बेटा, नेटवर्क ठीक है ना? अब आवाज पहुंच रही है ना? यस सर। सर आप लेकिन क्या क्या बोले कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यस सर। बेटा बोले कि वे मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसका ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर उस उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय की भी विशेषताएं हैं, प्रत्यय की भी विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? ये भी सब प्रत्यय भी क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। प्रत्यय भी क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। क्लियर ना? इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। आइए मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं, मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। जिस प्रकार जो उपसर्ग की विशेषताएं हैं वही सेम विशेषताएं प्रत्यय का भी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ध्यान देना है कि उपसर्ग मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग भी शब्दांश होते हैं। अब एक प्रश्न बेटा, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करें। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करें तो क्या क्या करेंगे बताइए? उपसर्ग और प्रत्यय का अंतर। हाँ बेटा बताइए। सर्ग शब्दांश है, प्रत्यय भी शब्दांश है। उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग होता है लेकिन ये प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग होता है? नहीं होता है सर। नहीं होता है। तो फिर कैसे अंतर हुआ बेटा? अंतर मतलब कुछ अलग होगा तब ना। सर ये तो अंतर नहीं बता रहा, ये तो सर समांतर बता रहा है। हाँ अंतर पूछ रहे हैं। अंतर क्या होगा? प्रत्येक मूल शब्द के उपसर्ग मूल शब्द के शुरू में जुड़ते हैं, आरंभ के पीछे पीछे जुड़ते हैं, और जो वो मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। वेरी गुड। प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगकर विशेषता ला देते हैं। तो आप लोग को परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उपसर्ग और प्रत्यय में दो अंतर स्पष्ट करें, कर लेंगे? यस सर। किन्हीं को कोई डाउट है? नहीं बेटा। अब अगला मेरा हेडिंग क्या है? प्रत्यय के प्रकार। क्या है? प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो कृत प्रत्यय के बारे में सबसे पहला देखेंगे, कृत प्रत्यय, ठीक है? वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप, क्रिया के मूल रूप ब्रैकेट में धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा और विशेषण बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। धातु क्या है? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे लिखना, जैसे लिखना, तो लिखना का धातु क्या होगा? लिखना का धातु क्या है? लिखना क्या क्रिया है या धातु है? लिखना सर धातु है। लिखना धातु है, क्रिया है। क्रिया लिखना क्रिया है। इसका धातु कोई पूछे कि लिखना क्रिया में धातु क्या होगा तो क्या बताएंगे? लिख। पढ़ना, पढ़ना में क्या धातु क्या होगा? पढ़। हंसना का धातु क्या होगा? हंस। उपजाना का धातु क्या होगा? उपजाओ। उपज। उपजाना का क्या होगा? उपज। तो कृत प्रत्यय क्या है? वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा और विशेषण बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिख, लिख धन आवट, तो क्या बनेगा? लिखावट। लिखना क्या है? क्रिया है। लिखना क्या है? क्रिया है। तो लिखना का धातु क्या होगा? लिख। और आवट होगा प्रत्यय, तो लिख धन आवट क्या बनेगा? लिखावट। पढ़ाई, तो पढ़ाई कहाँ से बना? पढ़ना क्रिया से बना। तो इसमें पढ़ना से पढ़ क्या होगा?
पर होगा धातु और धातु में आई प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या बनेगा पढ़ाई। उपजाऊ, उपजाऊ में क्या बने उपज क्या होगा उपज होगा धातु और आऊ प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या बनेगा उपजाऊ। किसमें परिवर्तन करते हैं क्या बेटा ये संज्ञा और ये संज्ञा और विशेषण बनाते हैं इससे संज्ञा बनेगा और विशेषण बनेगा ठीक है। अब तद्धित प्रत्यय क्या है तो तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा के अंत में जुड़ेंगे सर्वनाम के अंत में और विशेषण के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं तद्धित प्रत्यय कहते हैं ना। कृत प्रत्यय कहाँ जुड़ेंगे तो कृत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप धातु के अंत में जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा और विशेषण बनाते हैं। और तद्धित प्रत्यय क्या है वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्लियर ना। जैसे दुकान जैसे दुकान धनदार बराबर क्या होगा दुकानदार। फल धन फल धन वाला क्या बनेगा फल वाला। विवाह धन एक क्या बनेगा वैवाहिक वैवाहिक। और भारत धन ये क्या बनेगा भारतीय। आपको कॉपी और कलम रखे है ना। चलिए होमवर्क लिखिए बेटा लिखिए जल्दी से याद नीचे। हाँ बेटा नीचे दिए गए शब्दों से मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों से मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए ना। लिखिए मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए। शब्द लिखिए संस्कृति पल्ला लिखिए संस्कृति संस्कृति लिख लिए उपसर्ग और उपसर्ग और मूल शब्द अलग करने संस्कृति संस्कृति। दूसरा अभी अभी बनाइए मत घर में बनाएंगे। दुर्भाग्य संस्कृति दुर्भाग्य संचालन तीसरा संचालन सुरक्षित सुरक्षित अतिथि सुरक्षित सुरक्षित अतिथि उपकरण 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 बेटा उपकरण उपकरण उसके बाद लिखे स्वागत स्वागत संचलित कुछ बोले थे ना क्या बेटा संचालन बोले थे संचालन फिर लिखे अनुपस्थित अनुपस्थित स्वागत स्वागत प्रकृति प्रकृति गैर जिम्मेदार गैर जिम्मेदार परलोक परलोक सपूत क्या सपूत समतल लाइलाज लाइलाज इतना का आप लोग उपसर्ग और मूल शब्द का अलग अलग कर लीजिएगा ठीक है। अब किन्हीं को कुछ पूछना है यहाँ तक में उपसर्ग और मूल शब्द में सर किन्हीं को कुछ
सर बेटा उपसर्ग और सर उपसर्ग और प्रत्यय का अभी अंतर स्पष्ट करने आएगा परीक्षा में बेटा। हम ऐसे तैयारी करेंगे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, कोई ना परिभाषा भी आ सकता है, विशेषता भी आ सकता है, अंतर स्पष्ट करना भी आ सकता है, दो शब्द किसी उपसर्ग से दो शब्द बनाने के लिए भी दिया जा सकता है, या मूल शब्द उपसर्ग अलग करने के लिए भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। यस सर। और किन्हीं को कोई डाउट है सर? गैर जिम्मेदार के बाद आप क्या बोले थे?